Hello students good morning Jai Swami Narayan all of you welcome to class 2 in Atmiya Green school my name is Prajakta and I am your computer teacher now let's we will start revision of lesson number 3 keyboard okay so all of you very well know what is the keyboard and what is the use of keyboard keyboard is used to type on the computer so now let's we will start our lesson ए कीबोर्ड इज अ डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ की बोर्ड एक डिवाइस है उसमें क्या रहते हैं नंबर्स ऑफ की रहती है इट हैज इट हेल्प अस टू टाइप गिव कमांड्स प्ले गेम मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर की बोर्ड का यूज किसके लिए होता है कीबोर्ड का यूज़ टाइप करने के लिए होता है उसके बाद गिव कमांड्स कमांड देने के लिए होता है प्ले गेम गेम खेलने के लिए होता है एंड मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर पॉइंट अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है तो हम कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं ओके सो फर्स्ट कीबोर्ड सो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ की बोर्ड देन ऑल्सो वन टाइम यू विल सी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कीबोर्ड के ई वाई बी ओ ए आर डी कीबोर्ड Again, one time, what is the spelling of keyboard? K E Y B O A R D. This is the spelling of keyboard. A keyboard is a device. Now, this is the device. What is the spelling of device? D E V I C E device. Again, one time. D E V I C E device. ए कीबोर्ड इज अ डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कीज वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ कीज के ई वाई एस कीज के ई वाई एस कीज. इट हेल्प टू गिव टाइप क्या करने के लिए यूज होता है टाइप व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टाइप टी वाई पी ई टाइप अगेन वन टाइम टी वाई टी

Games. Play games. This is the spelling of play games. And move from one point to another. Move from one point to another. So, what is the spelling of point? P O I N T point. P O I N T point. Then T O two. Then another. What is the spelling of another? A N O, T, H, E, R, another. Again, A, N, O, T, H, E, R, another. So, this is the use of computer, Sorry, keyboard. So, again one time look at here. A keyboard is a device that consists of number of keys. It helps us to type, give commands, play games and move from one point to another. So, this is the. कीबोर्ड यूज देन वी टाइप ऑन द कम्प्यूटर बाय प्रेसिंग द कीज ऑन द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर वट एवर वी टाइप ऑन द कीबोर्ड अपीयर ऑन द मोनीटर जो कुछ भी हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं लिखते हैं कमांड्स देते हैं जो भी प्रेस करते हैं वो हमें कहाँ दिखता है मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखता है ओके सो नाउ लुक एट हियर ये मॉनिटर है कीबोर्ड है ठीक है अभी मैं क्या कर रही हूं यहाँ ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से इसको ऑन किया ओके सो देखो इसको अभी मैं बडा कर दूंगी ये हो गया और अभी मैं इससे कीबोर्ड से यूज करके यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगी क्या करूंगी कुछ भी टाइप करूंगी लुक ए ए उसके बाद सी O M पी यू टी ई आर देखो जो मैंने कीबोर्ड को यूज़ करके टाइप किया था वो आपको कहाँ दिख रहा है मॉनिटर के स्क्रीन पे दिख रहा है जो भी हम क्या करते हैं कीबोर्ड से वर्क करते हैं वो हमारा कहाँ पे दिखता है हमारे मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखता है ओके वी टाइप ऑन कंप्यूटर प्रेस द कीज जब हम क्या करते हैं टाइप करते हैं टाइप मतलब जैसे मैंने ये कीबोर्ड का यूज करके टाइप किया है उसको टाइप बोलते हैं टाइप ऑन अ कीबोर्ड बाय प्रेसिंग द कीज ऑन द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर व्हाट एवर टाइप ऑन द कीबोर्ड अपीयर ऑन द मॉनिटर जो भी हम कुछ टाइप करते हैं वो कहाँ दिखता है हमें मॉनिटर पे दिखता है ओके नाउ व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मॉनिटर एम O N I T O R monitor again one time M O N I T O R monitor so this is the spelling of monitor okay I know that a keyboard has I know that keyboard has alphabet key number key enter key space bar key so let us know लर्न अबाउट द सम मोर की ऑन द कीबोर्ड ये क्या बोल रहा है कि मुझे पता है कि कीबोर्ड में कौन से कौन से बर्तन रहते हैं अल्फ़ाबेट की नंबर की एंटर कीज और स्पेस बार की लेक लेट नाउ लर्न अबाउट सम मोर कीज ऑन द कीबोर्ड इसके अलावा भी हम क्या करेंगे कीबोर्ड में नए नए टाइप के हम की के बारे में पढ़ेंगे ओके सुनाओ so अल्फाबेट की ओके नाउ लुक एट हियर दिस इज ए बी सी डी अप टू जेड दिस इज कॉल अल्फ़ाबेट की ए से लेकर जेड तक ये यह यहाँ पूरी जितने भी के दिख रहे उसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट की देन नेक्स्ट इज द नंबर की नंबर की कहाँ पे है इन uh, क्या होता है कीबोर्ड में नंबर की दो जगह पे रहती है एक तो ये अल्फाबेट की के अप साइड पे रहती है ऊपर रहती है और दूसरी हमारे कीबोर्ड के यहाँ राइट साइड पे रहती है ठीक है तो दो जगह पे क्या रहती है नंबर की रहती है देन एंटर की सो so, एंटर की क्या है देखो एंटर की हमारे कीबोर्ड में एंटर की भी दो जगह पे रहते हैं एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे जहाँ पे हमारे नंबर वाली कीज है ठीक है सो एंटर की ये है और उसके बाद है स्पेस बार की स्पेस बार की दिस इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड ये कीबोर्ड की क्या है सबसे बड़ी बटन है कौन सी स्पेस बार की स्पेस बार की का यूज़ किसके लिए होता है स्पेस बार स्पेस बार की का यूज हमें स्पेस देने के लिए होता है ओके okay. सो so, वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ अल्फाबेट की लुकैट ही एल पी एच ए बी ई टी अल्फ़ाबेट के ई वाई एस किस देखो यहाँ पे एस लगा है क्या लगा है एस लगा है और देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो बैक स्पेस की है बैक स्पेस की में एस नहीं लगा है क्यों क्योंकि बैक स्पेस की क्या है एक की है क्या है एक की है लेकिन अल्फ़ाबेट की एक से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे एस लगा है नंबर की भी एक से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे एस लगा है एंटर की भी एक ही है लेकिन हमारे कीबोर्ड में टू जगह पे है तो ये क्या हो गई हमारी एंटर की भी टू जगह पे इसलिए एस लगाए उस पेज पर कि वो भी एक ही रहती है हमारे कीबोर्ड में सो व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ अल्फ़ाबेट कीज़ लुक एट ए एल पी एच ए बी ई टी अल्फ़ाबेट के ई वाई एस कीज़ अल्फाबेट कीज़ देन नंबर कीज़ एन यू एम बी ई आर नंबर के ई वाई एस किस नंबर किस अगेन वन टाइम एन यू एम बी ई आर नंबर के ई वाई एस किस नंबर किस दिस इज द स्पेलिंग ऑफ नंबर की देन एंटर की ई एन टी

R space bar again one time as P, A, C, E, B, A, R space bar key. So this is the uh, our keys. Ok. Now today we will look at here which keys. first. First key is the cursor control key. So which is the cursor control key? Look at here. A cursor is a small blinking line. A ए कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मॉनिटर डैट शो द पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट लेटर और नंबर टू बी अ एंटर कर्सर क्या होता है हमारा मॉनिटर पे एक स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन रहती है क्या रहती है एक स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन रहती है वो हमें बताता है कि हमारा नेक्स्ट लेटर की पोजीशन क्या है सुलू क्या किया दिख रहा है जो हमारा आर है आर ओके आर के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे एक एरो दिख रहा है कर्सर दिख रहा है तो ये हमारा क्या है वो हमें शो करता है कि हमारी नेक्स्ट लेटर की पोजीशन क्या है देखो मैं अभी यहाँ पे ये यह डी टाइप किया है तो हमारा कर्सर आगे गया अभी एफ टाइप किया तो देखो कर्सर आगे गया ए टाइप किया तो हमारा कर्सर आगे गया मतलब ये क्या शो करता है कि हमारा नेक्स्ट लेटर की पोजीशन शो करता है ओके सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कर्सर कंट्रोल की लुक एट हियर सी यू आर एस ओ आर कर्सर सी ओ एन टी आर एल कंट्रोल के ई वाई एस किज अगेन वन टैन सी यू आर एस ओ आर कर्सर सी ओ एन टी आर ओ एल कंट्रोल के ई वाई एस कीज कल्सर कंट्रोल की अ करसर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइंस कर्सर क्या है एक स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन है ऑन द मॉनिटर कहाँ पे रहता है मॉनिटर मॉनिटर पे दैट शो द पोजिशन ऑफ द नेक्स्ट लेटर वो क्या करता है हमें नेक्स्ट लेटर की पोजिशन शो करता है और नंबर टू बी एंटर और हमें नेक्स्ट लेटर में क्या नंबर लिखना है और लेटर लिखना है वो हमें शो करता है द कर्सर लुक लाइक दैट साइन ये क्या है हमारा कर्सर है जो हम मैंने अभी आपको देखा है था। ये दिख रहा है सबको तो ये क्या हमारा? है हमारा कर्सर है द कर्सर कंट्रोल की आल्सो कॉल्ड एरो कंट्रोल की को हम क्या बोलते हैं एरो कीज बोलते हैं आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन द मॉनिटर उसका यूज किसके लिए होता है अगर हमें हमने कुछ टाइप किया है हमें क्या करना है मूव करना है नीचे ऊपर तो हम एरो का यूज़ करते हैं ओके ये मैं आपको दिखाती हूँ लेकिन सबसे पहले हम ब्लिंकिंग लाइन का स्पेलिंग देखेंगे ठीक है व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ब्लिंकिंग लाइन बी एल आई एन के आई एन जी ब्लिंकिंग एल आई एन ई लाइन अगेन वन टाइम बी एल आई एन के आई एन जी ब्लिंकिंग एल आई एन ई लाइन ब्लिंकिंग लाइन स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ओके सो लु कैट ही एरो की ये क्या है हमारी एरो की है कौन सी की है ये एरो की है कितनी एरो की होती है हमारे की बोर्ड में फोर एरो की रहती है कितनी एरो की रहती है फोर एरो की रहती है ठीक है सो फोर कौन सी है ये जो की है उसको बोलते हैं किस क्या बोलते हैं अप की का यूज किसके लिए होता है अगर हमें ऊपर जाना है हमने कुछ लिखा है और हमें ऊपर जाना है ठीक है देन दिस इज द डाउन की ये कौन सी की है डाउन की इससे हम क्या कर सकते हैं नीचे आ सकते हैं उसके बाद ये है लेफ्ट की कौन सी की है लेफ्ट की इस की से हम लेफ्ट साइड में जा सकते हैं और ये है राइट साइड सो so, इससे हम क्या कर सकते हैं राइट साइड पे जा सकते हैं ओके सो नाउ लुक एट हियर यहाँ पे हम टाइप करेंगे ठीक है सपोज हमने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया है ऐसे टाइप कर रही हूं मैं ठीक है थीके? देखो यहाँ पे टाइप कर रही है ऐसे टाइप कर रही हूं मैं ये आपको दिखाना है इसलिए ठीक है ओके ये मैंने क्या किया है टाइप किया है अभी हम क्या करेंगे ये मैंने आपको दिखाना है कर्सर कंट्रोल की का यूज किसके लिए होता है इसलिए मैंने ऐसे ही क्या किया है ये टाइप की है कुछ भी सो नाउ लुक एट हियर ये हमारी फोर की है कर्सर कंट्रोल की एरो की है सो नाउ फर्स्ट हम क्या करेंगे वाले की का यूज़ करेंगे ये अप वाली की है अभी ये की दबाऊंगी तो आप मॉनिटर के स्क्रीन पे देखिए हमारा एरो कहाँ पे जाएगा दिख रहा है? हमारा एरो कहाँ गया है ऊपर गया है अब मैं क्या करूंगी ये डाउन वाली की का यूज करूँगी तो देखो हमारा एरो कहा आ गया ठीक है यहाँ पे आ गया है नीचे आ गया है अभी मैं क्या करूँगी जो हमारी लेफ्ट वाली है ये वाली लेफ्ट वाली है वो बटन दबाऊंगी तो देखो हमारा एरो कहा आ जा रहा है ऑल ऑफ यू लुकिंग देखो हमारा एरो यहाँ पे आ गया अभी मैं क्या करूँगी ये हमारी राइट वाली की दबाऊंगी तो देखो हमारा एरो आरोका आएगा आ गया यहाँ पे देखो फिर से ऊपर की अप वाली की दबाऊंगी तो ऊपर जाता है डाउन वाली दबाऊंगी तो नीचे आता है यहाँ पे राइट वाली दबाऊंगी लेफ्ट सॉरी लेफ्ट वाली दबाऊंगी तो लेफ्ट जाएगा राइट वाली दबाऊंगी तो राइट आएगा ठीक है तो ये हमारी की है कौन सी की है ये कौन से की है हमारी एरो की है सो द कर्सर कंट्रोल कीज आल्सो कॉल्ड एरो कीज उसको हम क्या बोलते हैं एरो की भी बोलते हैं आर आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन द मॉनिटर मॉनिटर में हमें कर्सर को मूव करना है तो हम क्या करते हैं एरो की का यूज करते हैं सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एरो कीज लुक एट हियर ए डबल आर ओ

और करसर कैन बी मूविंग अप डाउन राइट और लेफ्ट जो वो बच्चा है वो क्या बोल रहे हैं कि ये देखो ये कीज़ है हमारी करसर कंट्रोल की है इससे हम क्या कर सकते हैं हमारा एरो को अप कर सकते हैं डाउन कर सकते है लेफ्ट कर सकते हैं और राइट कर सकते है ऐसा right वो शो कर रहा है ओके द एरो मार्क्स ऑन द कीज शो द डायरेक्शन इन विच द करसर मूव वेन These की आर द प्रेस मतलब देखो ये हमारा कर्सर कंट्रोल की है इसमें एरो दिख रहा है ये जो एरो है ये देखो ये अपर के साइड में है ऊपर है मतलब ये शो कर रहा है कि हमारे ऊपर जा रहा है देन ये डाउन साइड में तो ये शो क्या कर रहा है कि हमारा एरो नीचे आएगा ये हमारा एरो इस साइड में जाएगा मतलब लेफ्ट साइड में जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे एरो किया है मतलब ये कहा जाएगा हमारे राइट साइड पे जाएगा तो ये हमारे यहाँ पे शो होता है देन बैक स्पेस की सो वॉट इज द यूज ऑफ बैक स्पेस की लुक एट है वेन प्रेस द बैक स्पेस की कौन सी की यूज़ करते हैं बैकस्पेस बैक स्पेस की इरेज एनी थिंग टाइप ऑन द लेफ्ट साइड तब क्या होता है हमारा लेफ्ट साइड से इरेज होता है लेफ्ट साइड मतलब ऐसे ठीक है ऑफ द कर्सर इन द एग्जाम्पल यू नीड टू करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द कीबोर्ड कीबोर्ड का स्पेलिंग है यहाँ पे गलती से डबल वाई आ गया है तो उसको हमें क्या करना है करेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे बैक स्पेस की का यूज करेंगे ओके सो फर्स्ट बिफोर शोइंग दैट आई विल शो यू फर्स्ट फस्टू विल सी स्पेलिंग ऑफ द बैक् स्पेस की सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बैक स्पेस की बी ए सी के बैक एस पी ए सी एसी बैक्स्पेस के ई वाई की की अगेन वन टाइम बी ए सी के बैक एस पी ए सी E space K E Y backspace key. So this is the spelling of backspace key. So now look at here backspace key jab hum kya karte हैं, dabate हैं, erase karne ke liye to hamara जो हम type करते हैं वो कौन से side से erase होता है? Left side से. कौन से side से होता है? Left side से. So now look at here. ये हमारी मॉनिटर की स्क्रीन है अभी हम क्या करेंगे हमारा एरो क्या का है हम हमारा एरो अभी नीचे लेके आएंगे ऑल ऑफ यू लुकिंग हाँ हमारा एरो यहाँ पे आ गया है अब क्या करेंगे हम बैक स्पेस की दबाएंगे ये देखो बैक स्पेस की है ये क्या है हमारी बैक स्पेस की है किसी कीबोर्ड पे बैक स्पेस लिखा रहता है किसी कीबोर्ड में बैक स्पेस नहीं लिखा रहता है सिर्फ ऐसे एरो दिया हुआ रहता है ठीक है जैसे आपके फेसबुक में है वहाँ पे क्या किया है सिर्फ एरो दिखा है यहाँ पे बैक स्पेस नहीं लिखा है सुनालू क्या ठीक है। जब हम बैक स्पेस की को दबाएंगे तो देखो हमारा इरेज होता है देखो जैसे बैक स्पेस की दबाऊंगी वैसे हमारा एक एक लेटर क्या हो रहा है डिलीट होगा तो ये बैक स्पेस की का यूज़ कौन से साइड से हो रहा है देखो हमारे कौन से साइड से डिलीट हो रहा है लेफ्ट वाले साइड के लेटर डिलीट हो रहे कौन से लेफ्ट वाले साइड हमारे मतलब ये हमारी कौन सी साइड है लेफ्ट वाली साइड है तो ये हमारा इरेस कहाँ से हो रहा है हमारा हमारा इरेस कहाँ से हो रहा है लेफ्ट वाले साइड से इरेज होता है जब हम क्या करते हैं बैक स्पेस की यूज़ करते हैं देखो सो यहाँ पे क्या दिया है वी नीड टू करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ कीबोर्ड टू द कीबोर्ड ओके यहाँ पे कीबोर्ड का स्पेलिंग गलत दिया है तो हमें वो करेक्ट करना है अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारा देखो हमारा कर्सर नीचे आ गया है अभी हम वहाँ पे कीबोर्ड लिखेंगे के ई डबल वाई मतलब यहाँ आपके इसमें गलती से डबल वाई दिया है तो हम भी डबल वाई लिखेंगे उसके बाद बी ओ ए आर डी देखो हमने कीबोर्ड का स्पेलिंग लिख दिया है गलती से हमने क्या लिख दिया है डबल वाई लिख दिया है अभी हमें क्या करना है वो वन वाई को हमें डिलीट करना है क्या करना है डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे अभी जो हमारी एरो की है कौन सी वाली ये जो हमारी लेफ्ट वाली एरो की है वो दबा के हमारा एरो देखो हम वाई के सामने लिख के आए हैं यहाँ है वाई के सामने अभी हम क्या लिख हम क्या करेंगे बैक स्पेस की को दबाएंगे हम क्या करेंगे बैक स्पेस की को दबाएंगे तो देखो हमारा वाई कट हो गया है क्या हो गया है हमारा वाई कट हो गया तो ये हमारा बैक स्पेस की का यूज है देन नेक्स्ट की इज द डिलीट की ओके डिलीट की विल बी सी इन अवर नेक्स्ट पीरियड So, I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.